गया बिगुल, नौ चरणों में होंगे आम चुनाव 2014। ऐलान जश और जश्न लोकतंत्र का बिगुल बज चुका है। 5 साल बाद एक बार फिर सत्ता की चाबी आम जनता के हाथों में है। किसको सत्ता की कुर्सी पर बैठाना है और किसको हटाना है, ये मौका एक बार फिर देश की जनता के पास है। 2009 में आम चुनाव 5 चरणों में हुए थे, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने चुनाव को बेहतर तरीके से कराने के लिए 9 चरणों में इसे कराने का फैसला किया है। देश भर में 9 चरणों में 7 अप्रैल से 12 मई तक लोकसभा चुनाव संपन्न होंगे। 16 मई को वोटों की गिनती होगी और अगली लोकसभा की स्थिति साफ हो जाएगी। Therefore, in 9 poll days, we will be covering 543 parliamentary constituencies and respective assembly constituencies in those 3 states, as also we have a few by-elections, 2 state assemblies in different states. All this will go to the polls on the same date as the respective parliamentary constituency. पहला चरण 7 अप्रैल को होगा, दूसरा चरण 9 अप्रैल को, जबकि तीसरा चरण 10 अप्रैल को होगा। चौथा चरण 12 अप्रैल को, पांचवा चरण 17 अप्रैल को, छठा चरण 24 अप्रैल को होगा, सातवां चरण 30 अप्रैल को, आठवां चरण 7 मई को, जबकि नौवां और आखिरी चरण 12 मई को होगा। तारीखों के ऐलान के साथ ही देश भर में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है, यानी सरकार अब कोई नया बिल पेश नहीं कर पाएगी। ज्यादा गर्मी पड़ने की आशंका और परीक्षा के समय को देखते हुए चुनाव का समय इस बार तय किया गया है। ये पहला मौका होगा जब देश में 9 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 1 जून को खत्म हो रहा है और नई लोकसभा का गठन 31 मई तक होना है। ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि इस बार काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। इस बार पूरे देश में 10 करोड़ से ज्यादा नए मतदाता हिस्सा लेंगे। देश में करीब 81.4 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदाता सूची में नाम जोड़ने की खास मुहिम चलाई जाएगी। देश भर में 9.3 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा वीएस संपत ने बताया है कि देश के 98.64% मतदाताओं के पास पहचान पत्र हैं। वोटिंग बूथ पर पीने का पानी, टॉयलेट, विकलांगों के लिए रैंप जैसी सुविधाएं भी होंगी। पहली बार फोटो वोटिंग स्लिप मिलेगी। पहली बार लोकसभा चुनाव में नोटा का विकल्प भी होगा। आम चुनाव के साथ देश भर में आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे, तो तैयार हो जाइए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लोकसभा सीटों के लिए आज से उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान आता है, दूसरा नंबर आता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इस वक्त राहुल गांधी मुखातिब है। हम आपको सीधे लिए चलते हैं औरंगाबाद। हिंदुस्तान को एक चीज की जरूरत है तो वो ये है कि हिंदुस्तान के आम आदमी को, गरीब आदमी को शक्ति देनी, उनको मजबूत करना, राजनीति उनके हाथ में डालनी, पंचायतों में देनी। तो हम कह रहे हैं कि सिस्टम को खोलो, जनता को शक्ति दो, और ये कह रहे हैं कि भैया सिस्टम को बंद करो, जनता से कुछ पूछो मत, पूरा का पूरा सिस्टम एक व्यक्ति के हाथ में दो और जो वो करना चाहता है वो करेगा। नहीं, शक्ति आपके हाथ में होनी चाहिए, शक्ति महिलाओं के हाथ में होनी चाहिए, शक्ति युवाओं के हाथ में होनी चाहिए, प्रधानों के हाथ में होनी चाहिए, एमएलए एमपी के हाथ में होनी चाहिए, सबके हाथ में होनी चाहिए, तब ये देश आगे जाएगा। और यही काम हम करना चाहते हैं और इस काम में भैया सुन लो, कोई नहीं रोक सकता हमें। आरटीआई जैसे कानून, मनरेगा जैसे कानून, भोजन के अधिकार जैसे कानून, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे काम हम करके दिखाएंगे, आपके लिए करेंगे। और जितनी भी शक्ति हम आपको दे सकते हैं हम आपको दे के दिखाएंगे। आप दूर दूर से आए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद। तो राहुल गांधी इस वक्त औरंगाबाद में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए, अब आदर्श आचार चुनाव संहिता लागू हो चुकी है और इस लिहाज से अब सभी पार्टियां भी इस बात को गौर करेंगी, ये भी जाहिर सी बात है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान एसके वर्मा, रिटायर्ड आईएएस हैं, पूर्व पर्यवेक्षक हैं। बहुत बहुत स्वागत है वर्मा जी आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। धन्यवाद। एसके वर्मा जी, क्या स्थिति है पर्यवेक्षकों को लेकर? इस बार एक कुछ और भी पर्यवेक्षक इंट्रोड्यूस किए हैं चुनाव आयोग ने। मैं जहां तक अजीत सुन रहा था कि पहले भी जनरल पर्यवेक्षक पहले चुनाव में भी रहते थे, फाइनेंशियल पर्यवेक्षक पहले चुनाव में भी रहते थे, अब की बार पुलिस पर्यवेक्षण की एक अलग से बात मुख्य चुनाव आयुक्त जी ने उठाई थी जी, कि अब की बार जहां आवश्यक होगा वहां पुलिस पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे जी। वो उन पर्यवेक्षकों का मेन रोल होगा कि जो पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है या पुलिस की जो निष्पक्षता की बात हम लोग करते हैं जी, क्योंकि लोकल पुलिस सदा वहां उपलब्ध रहती है और उसको असिस्ट करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेज हम लोग रखते हैं बूथ पर जी, लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि लोकल पुलिस की भूमिका काफी सक्रिय रहती है जी। तो जो पर्यवेक्षक पुलिस पर्यवेक्षकों की बात आई है, ये एक अच्छा प्रयोग आयोग द्वारा किया जाएगा कि पुलिस का कोई बाहर का अधिकारी आके वहां की लोकल पुलिस की भूमिका को वाच कर सकेगा और अगर उसमें कहीं कोई कमियां है तो उसको इंगित कर सकेगा या चुनाव आयोग को बता सकेगा जी। इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे कि पर्यवेक्षकों की क्या भूमिका होती है और वो कितने सक्षम है निष्पक्ष चुनाव करवाने में, उनकी कितनी जो जिम्मेदारी है वो महत्वपूर्ण है। हमारे साथ कानपुर से इस वक्त बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री बालचंद मिश्र भी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है बालचंद मिश्र जी आपका। नमस्कार, धन्यवाद जी। बालचंद मिश्र जी, अब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया, इससे पहले भी कैंपेन लगातार चल रहे थे उत्तर प्रदेश में और दूसरी जगहों पर भी, अब किस तरह के कैंपेन और आगे बढ़ाएगी बीजेपी? देखिए, पहले तो चुनाव आयोग ने भी 9 मार्च के लिए अपने सारे बीएलओ हर बूथ पर करने का जो निर्देश दिया है जी, तो हम लोगों ने भी अपने सारे बीएलओ और सारे कार्यकर्ता उस 9 तारीख को हर बूथ पर लगा करके वोटर लिस्ट के समीक्षा उस दिन ठीक से कराने जा रहे हैं जी। ये निर्देश कार्यकर्ताओं तक जा चुका है कि उसमें जो भी फर्जी वोट हो उसको निकालने के लिए और जो वोट ना हो और होना चाहिए तो ठीक है उनको सूचीबद्ध कराने के लिए उस दिन व्यापक पैमाने पर तैयारी करें और लोग वहां रहें मौजूद। तो हम तो स्वागत करते हैं, निर्वाचन आयोग ने बहुत अच्छे तरीके से ये निर्णय लेकर के और अलग अलग चरणों में कि हर जगह काफी व्यवस्थित हो चुनाव, उस पर पूरी तौर से हम लोग भी सहयोग निर्वाचन आयोग का करने वाले हैं और हम भी चाहते हैं कि चुनाव बहुत निष्पक्ष हो, मतदान 100% हो, तो जो फर्जी मतदाता होते हैं वो फर्जी मतदाता डिलीट हो उसमें से जी, नहीं तो वो मतदान के प्रतिशत को भी प्रभावित करते हैं जी। तो इस तरह से हम लोग पूरी तैयारी में लगे हुए हैं कि हम लोग बालचंद मिश्र जी, उत्तर प्रदेश के लोग बीजेपी को किस लिहाज से देखें, किस तरीके से देखें, क्या आप उनको विकल्प किस तरीके के देने वाले हैं, क्या भरोसा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश के लोगों ने पिछले 2 बार से, एक बार सपा से मोह भंग हुआ उनको और बसपा के नेता ने खूब आश्वासन दिया कि सपा जो कदाचार गुंडागर्दी ये सब कर रही है इसके खिलाफ हम ही कारगर कदम उठाएंगे, तो उन्होंने बसपा को मौका दिया पूरा पूरा। बसपा के राज्य ने उससे भी बढ़कर के आगे कदाचार किया, गुंडई किया, अपराध कराए, भ्रष्टाचार बढ़ाए, इससे फिर उत्तर प्रदेश की जनता असंतुष्ट होके और परेशान होके, और जब तत्कालीन क्या अभी भी जो उनके सपा के माननीय नेता जी हैं मुलायम सिंह जी, उन पर भरोसा करके उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अब बसपा के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा और मैं साथ सरकार दूंगा, तो उन्होंने सपा को दिया। अब सपा बसपा दोनों से इतना बुरी तरह मोह भंग हुआ है उत्तर प्रदेश की जनता का कि वो पलक पावड़े बिछाकर भारतीय जनता पार्टी को तैयारी है। उसके समय में लगातार जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो कभी लोकसभा चुनाव की बात करें तो कभी एसपी, कभी बीएसपी, कभी कांग्रेस,
सब में एक दूसरे में विकल्प वो देखती रही है, एक दूसरे को आगे बढ़ाती रही है। बीजेपी का आधार उस तरीके से फिर नहीं बढ़ा है, वो जो 10 पर आकर आप सिमटे हुए हैं, ये स्थिति बीजेपी की लगातार रही है। आप जो कह रहे हैं कि एक से मोहभंग हुआ तो फिर दूसरे को उसने चुना, बीजेपी को कभी आगे नहीं लाई इस बीच में। बीजेपी को एक समय में इस उत्तर प्रदेश की जनता ने 60 सीटें दी थी, वो स्थिति नहीं आई पिछले उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को 60 सीटें दी थी और फिर इसके बाद से ये गड़बड़ियां जो बाद में हुई हैं, सीटें घटी हैं। आज जनता 60 से भी ज्यादा सीट देने के लिए जगह जगह उत्साहित है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से बहुत ज्यादा उनको आशा और विश्वास जगा है और उत्तर प्रदेश की जनता ये चाह रही है कि जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात का विकास किया है, गुजरात का वातावरण ठीक किया है, वैसे वो देश के प्रधानमंत्री बनकर पूरे देश का वातावरण गुजरात के तरीके से ये दावा हर शांतिमय बिल्कुल सौहार्दपूर्ण और विकास को आगे बढ़ा के करे। इसलिए उत्तर प्रदेश के विकास के नाते नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के लिए व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रही है और बात चलिए जी लगातार बोली रहे, लेकिन आप किस नजरिए से देखते हैं अभी, क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति देखकर लोकसभा चुनाव के लिए? मेरा ये मानना है अजीत जी के भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सही प्रयास बहुत पहले शुरू कर दिया था जी। और एक माहौल तो जरूर बना है और लोग परिवर्तन भी चाहते हैं, लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना है कि यहाँ क्षेत्रीय दलों की जड़ें काफी मजबूत हैं और जातियों में ये प्रदेश पहले से भी बटा रहा है, अभी भी वर्तमान में बटा हुआ है। उनको नेशनल फीलिंग के साथ जोड़ना एक अच्छा प्रयास होगा जो भी पार्टी उसके लिए करती है, और मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रयास को किया है। एक भावनात्मक मैसेज तो गया है पब्लिक में कि परिवर्तन चाहिए और अच्छा परिवर्तन चाहिए। लोग क्या चाहते हैं, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं? लोग यहाँ पर ज्यादातर जो मैं गांव में जाके बात करता हूँ तो कांग्रेस के प्रशासन से तो लोग काफी दुखी हैं, परेशान हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे बार बार जो एक्सपोज हुई है चीजें घोटालों के रूप में वो रही हो, और चाहे साथ में गुड गवर्नेंस की बात रही हो, इन चारों चीजों को लेकर पब्लिक में ये तो है कि बदला जाए, राष्ट्रीय मतलब स्तर पर सरकारों को बदला जाए, और बदलने के लिए एक विकल्प जो बड़ा विकल्प देखने में मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी ही लोगों के समझ में आ रही है फिलहाल। और लेकिन उत्तर प्रदेश में मैं फिर कहूंगा कि जड़ें काफी मजबूत हैं। लेकिन आप ये मानते हैं वर्मा जी कि पहले से लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो एक दूसरे तरीके से बदली हैं, यानी उसका आधार, उन अपेक्षाओं का आधार भी अलग तरीके से बदला है? जैसे पहले हिंदुत्व की लहर पर कभी बीजेपी हुआ करती थी, लेकिन क्या इस बार हिंदुत्व की लहर से इतर भी दूसरे तरीके से भी बीजेपी को लोग देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जब हम गांव में या शहरों में जाते हैं या लोगों से बात करते हैं तो ये लोग अब राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि परिवर्तन आवश्यक है और इस देश को अगर मतलब विकास को गति देनी है या इस देश को अपना सम्मान वापस दिलाना है तो भारतीय जनता पार्टी में वो एक विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी को लोग देख रहे हैं जी। आप बने रहे हमारे साथ, एसके वर्मा हमारे साथ हैं पूर्व पर्यवेक्षक चुनाव आयोग के, और साथ ही बालचंद्र मिश्र पूर्व मंत्री बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा आगे भी लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल रुकेंगे कुछ पलों के लिए। गाड़ी नंबर 5277 गाड़ी नंबर 5577 नाइस कार राइट क्लियर है। सियासत के रंग, खेल का रोमांच, बाजार की हलचल, आम आदमी की आवाज, जो पहले पर्दे की चमक, देश विदेश के हालात देखिए अपडेट @9 रोज रात 9 बजे।
खबरें जिनसे मिल जाती है सरकार, खबरें जिनका है आपसे सरोकार, खबरें जिनसे पढ़े जाते हैं अखबार, खबरें हर सुबह जिनकी है दरकार। सुर्खियां रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, अपना प्रदेश अपना देश। मुजफ्फरनगर के राहत कैंप को कब्रिस्तान पर ही बसा दिया गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं सर, इस वजह से परेशानी उठानी पड़ रही, बहुत ज्यादा हमारा दर्द जाना, हमारे अंदर कितना दर्द हो रहा। वोटरों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जाते हैं। हमारी पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसने जो जो वादे किए वो पूरे किए। वही बनाएंगे, कहां वादा पूरा किया आपने? भारत भाग्य विधाता, लोकतंत्र का मेकओवर। हम चर्चा कर रहे हैं चुनाव को लेकर, और हमारे साथ स्टूडियो में एसके वर्मा हैं, चुनाव के पर्यवेक्षक, पूर्व पर्यवेक्षक चुनाव आयोग, और साथ ही बालचंद मिश्रा बीजेपी के नेता हैं। चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे। चुनाव आयोग ने जो तारीखों का ऐलान किया है, इसके बाद से कई तरह के बयान भी सामने आए हैं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2014 की तारीखों का ऐलान कर दिया है और चुनाव 9 चरणों में कराए जाएंगे। इसके साथ ही क्या कुछ नया होगा इस बार के लोकसभा चुनाव में, इस पर देखिए रिपोर्ट। लोकतंत्र के महापर्व का मौका एक बार फिर आ गया है। इस महापर्व पर देश का आमो खास अपनी भागीदारी अदा करता है और अपने मताधिकार का प्रयोग कर देश के नेतृत्व को एक नए हाथों में सौंपता है। हर बार चुनाव में हमें कुछ खास नजर आता है। बदलते दौर के साथ ही चुनाव ने भी आधुनिक रूप अपना लिया है। कभी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है तो कभी हमें बैलेट पेपर की जगह ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की सौगात मिली। इस बार चुनाव में क्या कुछ होगा खास, आइए नजर डालते हैं। सबसे बड़ा चुनाव, पहला मौका होगा जब आम चुनाव में नोटा यानी नन ऑफ द एबव का विकल्प मतदाता इस्तेमाल कर पाएंगे। दिसंबर 2013 में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में इसे पहली बार लागू किया गया था। यू ऑल नो अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ नोटा फैसिलिटी इन द वोटिंग मशीन्स। This was introduced during the last 5 state elections pursuant to the order of the Honorable Supreme Court. Nota facility shall be provided in general election 2014 also. 2014 के महासंग्राम में देश के 81 करोड़ 40 लाख मतदाता अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करेंगे। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार 10 करोड़ ज्यादा मतदाता हैं। लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार चुनाव 9 चरणों में कराए जा रहे हैं। पिछली बार लोकसभा चुनाव 5 चरण में हुए थे। इस चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने 9,30,000 मतदान केंद्र बनाने का फैसला किया है। उम्मीदवार चुनाव प्रचार में अब पहले से ज्यादा पैसा खर्च कर सकेंगे। उम्मीदवार 40 लाख के बजाय 70 लाख रुपए चुनाव प्रचार पर खर्च कर पाएंगे। लोकसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल का भी कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में इस्तेमाल होगा। यानी वोटिंग के बाद एक पर्ची निकलेगी जो बताएगी कि वोट डल पाया है या नहीं। इसके अलावा पोलिंग बूथ पर पीने का पानी, टॉयलेट, विकलांगों के लिए रैंप जैसी सुविधाएं भी होंगी। साथ ही देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तकरीबन 1 करोड़ मतदान कर्मियों को तैनात किया जाएगा, जिनमें आधी संख्या सुरक्षा कर्मियों की होगी। चुनाव आयोग ने सियासी पिच पर टॉस का सिक्का उछाल दिया है। अब देखना है इस सियासी फील्ड पर कौन कितने सीट बटोर पाता है और कौन क्लीन बोल्ड होता है। इंतजार कीजिए 16 मई का। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिसके वर्मा साहब हमारे साथ हैं स्टूडियो में, चुनाव आयोग के पूर्व पर्यवेक्षक। वर्मा जी, चुनावी खर्च को लेकर जहां तक बात है, इसको लेकर कई सवाल आज भी किए गए वीएस संपत से। जो चुनावी खर्च की बात करते हैं हम, अगर किसी दल ने कैंडिडेट घोषित नहीं किया है तो जब कैंडिडेट घोषित करेगा उसके बाद से उसके खाते में वो चुनावी खर्च गिना जाएगा, और वो दल अगर पहले से कैंपेन कर रहा है तो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को, अपनी पार्टी के कैंडिडेट को ही मजबूत कर रहा है। तो फिर वो जो कैंपेन हो रहा है, मान लीजिए बीजेपी ने कैंपेन किया अभी, बड़ी बड़ी रैलियां की कहीं पर, तो वहां के जो उम्मीदवार होंगे उनके नाम अभी तय होना बाकी हैं,
तो वो फायदा तो उनको जाएगा, लेकिन चुनाव खर्च जो अभी रैलियों पर हो रहा है वो किसमें गिना जाएगा? देखिए, ये हथियार संहिता के बाद जो रैली की जाएंगी उनका खर्चा तो जिस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो रैली होगी वो पार्टी के ऊपर डाला जाएगा जी। लेकिन जहां तक इंडिविजुअल की बात है कि जो कैंडिडेट का खर्चा होता है वो आचार संहिता के दिन से उसका काउंट शुरू हो जाएगा जिनका के टिकट डिक्लेयर हो रखा है, जो पार्टियों ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर रखे हैं, वो अब जो भी खर्चा करेंगे वो आज के दिन से फायदे में रहेंगे जिन्होंने कैंडिडेट घोषित किया। जैसे समाजवादी पार्टी ने कई कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, तो पहले जो खर्चे हुए आज चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले वो खर्च उसमें शामिल नहीं होगा और उसका फायदा उस कैंडिडेट को मिलेगा। और दूसरी तरफ जिन्होंने कैंडिडेट घोषित नहीं किया है वो आगे करेंगे, और इस बीच में बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं या इससे पहले भी जो हुई हैं, जैसे बीजेपी की रैलियों को ले लीजिए, तो उसके खर्च का भी उनको लाभ मिलेगा कि वो खर्च हुआ लेकिन उनके खाते में नहीं जुड़ेगा वो। देखिए, चुनाव की जो प्रक्रिया शुरू होती है उससे पहले रैली जो पार्टी कर रही है वो पार्टी अपने खर्चों से रैली करती रहती है। और सही बात है आपकी कि पार्टी जो है अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए या वोटर्स में अपना मैसेज देने के लिए रैली की संख्या बढ़ा देती है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है। लेकिन रैलियां तो ये पार्टियां बीच बीच में भी करती रहती हैं। मान लीजिए दो साल पहले चुनाव था, उससे पहले भी भाजपा भी रैली कर रही थी, और शुरुआत में 2012 के चुनाव के बाद बसपा भी रैली कर रही थी, सपा भी रैली कर रही थी, सभी लोग रैली कर रहे थे। वो रैलियां अगर इनडायरेक्ट रूप में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जिनके कैंडिडेट डिक्लेयर है उनको फायदा पहुंच रहा है जी। लेकिन अगर डायरेक्ट में उसको देखेंगे तो डायरेक्टली तो वो पार्टी अपनी भावना, पार्टी अपनी नीतियों का बखान पब्लिक में उसको मैसेज देने के रूप में उन रैलियों को करती हैं, और उस वो खर्चा पार्टियां ही अपना बताएंगी कि खर्चा आयोग को खर्चा बताने की जरूरत उसमें नहीं होती। एक चीज बताइए वर्मा जी, आप नजदीक से आपने देखा है चीजों को कि जो खर्च है पिछले चुनाव से अगर लोकसभा चुनाव से देखें तो 3 गुना उस खर्च की सीमा बढ़ी है। 25 लाख था पहले, वो अब 70 लाख हो गया है। बीच में 2011 में 40 लाख कर दिया गया था उसे, लेकिन अब अगर पिछले चुनाव से एक तरह से देखें तो 3 गुना के लगभग हो गया है। ये 70 लाख खर्च कर सकता है कोई उम्मीदवार? ये हालांकि खर्च तो इससे भी कई ज्यादा होते हैं। कई कैंडिडेट ने कहा भी है कि हमने करोड़ करोड़ खर्च किया, चुनाव आयोग कुछ कर नहीं पाया वहां पर। एक आम आदमी के लिए जो सीमा है, गरीबी रेखा की सीमा, वो कितनी कम है? और दूसरी तरफ किसी उम्मीदवार को अगर चुनाव लड़ना है तो वो 70 लाख तक खर्च कर सकता है, ये हम सीमा तय करते हैं। ये एक बड़ा गैप नहीं है, बड़ी विडंबना नहीं है हमारे लोकतंत्र के लिए, ये इन चुनावों के लिए, चुनाव की प्रक्रियाओं के लिए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब सबसे अच्छी स्थिति तो वही हो कि सरकार सबको बराबर का मौका दे और सबको प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा करे, अपनी अपनी बात लोग कहें, पब्लिक में भी कहें, और पब्लिक उस तरह से जागृत अगर हो तो बिना खर्चे के भी चुनाव हो सकता है या शासकीय खर्चों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कुछ इसका सॉल्यूशन निकला नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो अगर आप इस स्थिति को देखें कि 25 लाख की जब सीमा थी उस सीमा में कोई भी चुनाव संभव ही नहीं था, वो अव्यवहारिक सीमा थी जी। उसको बढ़ाकर व्यवहारिकता पर लाए 40 लाख। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सीमा अलग चीज होती है, अगर आप कम खर्च करना चाहते हैं तो कोई आम आदमी अगर चुनाव लड़ना चाहे तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। देखिए, सीमा निर्धारण और खर्चा दोनों चीज अलग अलग है जी। सीमा तो एक बैरियर बनाया गया है कि उससे ज्यादा ना खर्च करें जी। उसके वो भी कम पड़ता है, ये तो कहते हैं। ये अभी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इतना बड़ा ज्यूरिडिक्शन लोकसभा का होता है जहां के करीब करीब 16-17 लाख के एवरेज वोटर्स होते हैं, और रफली 1,500-2,000 गांव और 30-40 कस्बों में उनको अपनी बात पहुंचानी पड़ती है। तो आज के महंगाई को देखते हुए मुझे लगता है सीमा तो बिल्कुल व्यवहारिक। ये चीज अगर कोई कैंडिडेट, कोई नेता बताते हैं, अगर बालचंद्र मिश्र जी, जिस तरीके से ये चुनावी खर्च की सीमा बढ़ी है, बहुत राहत महसूस कर रहे होंगे राजनेता और तमाम जो दल है, राजनीतिक दल, उनके लिए भी बेहद राहत की बात है। आप किस तरीके से इसे देखते हैं? देखिए, जो काले धन का चुनाव में उपयोग करते हैं वो तो जरूर राहत महसूस कर रहे होंगे जी, लेकिन जो लोग जनता की लोकप्रियता के आधार पर और चुनाव लड़ते हैं उनके लिए कोई बहुत अंतर इसे नहीं पड़ा। हाँ, थोड़ा बहुत जो आवश्यक खर्च है वो तो करना ही पड़ता है जी। लेकिन जहां बिल्कुल वोटों को खरीदने में, पैसा बंटने में, अब कई कई जगह ये चर्चा होती है कि यहां 10 रुपया पर वोट देंगे, 100 रुपया पर वोट देंगे, 200 रुपया पर वोट देंगे। ऐसे जो लोग काले धन से चुनाव पर कब्जा करना चाहते हैं
वो उनको थोड़ी राहत जरूर इससे हो गई और बाकी इसके अलावे वो फिर गुप्त रूप से करेंगे। तो व्यावहारिक जो चुनाव का खर्च हो उसके तरफ चुनाव आयोग ने कदम बढ़ाया है कि उसको कम भी होता तो चल जाता, लेकिन 70 लाख कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं लोकसभा सीटों की स्थिति ऐसी भौगोलिक भी हो जाती है कि जहां चुनाव कुछ सामान्य से अधिक होने लगते हैं, तो वहां के दृष्टि से यह अगर इन्होंने सीमा का निर्धारण किया है 70 लाख तो वो ठीक है, उसमें कोई उसको गलत नहीं कहा जाएगा। और जो उससे कम में खर्च करके चुनाव लड़ेगा वो अपनी लोकप्रियता के बल पर लड़ेगा। ढेर सारे लोग जो जनता के बीच निरंतर रहते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय दल हो, उनके टिकट पाने के लिए कितनी क्या क्या कुछ जुगत भिड़ाना पड़ता है ये आप भी जानते हैं। ऐसे में आम आदमी भला क्या करेगा, वो चुनावी प्रक्रिया में कैसे भाग ले पाएगा जो किसी दल से न हो। निर्दलीय अगर खड़ा होता है तो वो तो दब जाएगा इस खर्च के आगे। देखिए लोकतंत्र में और जहां पार्टी रूल है जिस देश में जी, वहां निर्दल आम आदमी इंडिपेंडेंट लड़े और फिर वो विचार करे तो वो लड़ तो सकता है जी। और इतना ज्यादा उसकी लोकप्रियता हो कि वो इस तरह का चुनाव लड़े तो उसका प्रयोग वो कर सकता है, लेकिन सामान्यतया तो पार्टी रूल है तो इसमें कैंडिडेट पार्टी के ही भरोसे चुनाव लड़ता है, सरकार पार्टी बनाती है और मतदाताओं को पार्टी के बारे में जो धारणा होती है, पार्टी का जो इमेज होता है, जो छवि होती है, पार्टी के जो सिद्धांत होते हैं, इसके आधार पर मतदान करता है। तो पार्टी द्वारा कैंडिडेट उतारे जाने पर पार्टी को मतदान किया जाता है, उसमें कैंडिडेट के साफ सुथरी छवि का भी महत्व रहता है। ऐड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं आपसे, चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे। 2014 का इलेक्शन कई मायनों में खास होने के साथ ही हाईटेक भी है। हाईटेक इसलिए भी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं दल और उम्मीदवार कम पैसों में। इस बार के चुनाव की जानकारी सिर्फ टीवी और अखबारों में ही नहीं, इंटरनेट और मोबाइल पर भी मिल सकेंगी, और साथ ही रजिस्ट्रेशन से लेकर शिकायत तक इन नई तकनीक के जरिए आप दर्ज करवा पाएंगे। अगर आप भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के पर्व का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर उसके बारे में किसी तरह की कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, बस घर बैठे एक क्लिक या एक बटन दबाने भर से ही सारी जानकारी आपके सामने होगी। घर बैठे ही इंटरनेट या मोबाइल पर इलेक्शन से जुड़ी सारी जानकारी आपके सामने होगी। 2014 के इलेक्शन से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट वन स्टॉप शॉप है। eci.nic.in पर आपको सभी राजनीतिक पार्टी की तमाम जानकारी, मैप पर पोलिंग स्टेशंस की जानकारी के साथ ही पिछले चुनावों के सारे आंकड़े मिल जाएंगे। 18 साल से ऊपर देश के किसी भी नागरिक को वोट देने का अधिकार है और इसके लिए वो निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं या फिर 9 लाख स्पेशल कैंप्स पर ऑफलाइन भी अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। वेबसाइट पर किसी तरह की शिकायत भी चुनाव आयोग के पास दर्ज कराई जा सकती है। आप मोबाइल पर भी अपने कैंडिडेट के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपने एंड्रॉयड फोन पर ADR मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। ADR मोबाइल ऐप के जरिए आप सभी कैंडिडेट की सारी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही ADR मोबाइल ऐप के जरिए आप किसी भी पार्टी या कैंडिडेट के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। इस बार चुनावी कैंपेन सोशल मीडिया के जरिए भी चल रहा है। फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर नेता और इलेक्शन से जुड़ी खबरें छाई हुई हैं। पहली बार सोशल नेटवर्किंग साइट्स चुनाव में अहम रोल निभा रहे हैं। इससे भी रुझान पता चल रहा है कि फेसबुक पर कौन सा नेता सबसे ज्यादा छाया हुआ है, तो वहीं चुनाव से जुड़ी खबरें जानने के लिए आप ट्विटर पर #IndiaElection के जरिए जुड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चुनावी प्रचार और चुनावी खर्च पर हम चर्चा कर रहे हैं लगातार, चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद ये सब चर्चा अब ज्यादा हो रही है। वर्मा जी, आप कुछ जोड़ रहे थे चुनावी खर्चों की जो बात हम कर रहे थे इससे पहले। मैं केवल इतना ही जोड़ रहा था अजीत, कि एक व्यवहारिकता होती है। पहले ये जो खर्चों की सीमा थी वो व्यवहारिक नहीं थी जी, अब आयोग ने उसको व्यवहारिक करने का प्रयास किया है जी। क्योंकि लोकसभा का क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है, 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का बल्कि एक क्षेत्र बनता है। मेरा सवाल ये